हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि आप ड्रीम इलेवन में टीम कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ड्रीम इलेवन ऐप को ओपन कर लेना है। तो मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद कुछ आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फैन कोड ECS T10 रोमानिया। ये खेल होने वाला है। अभी टाइम 2 घंटा 25 मिनट है। तो इसका मैं टीम आपको बना के दिखाऊंगा कि आप कैसे टीम बना सकते हैं और फर्स्ट रैंक पे कैसे आ सकते हैं। तो चलिए हम आपको टीम बना के दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट टीम। आपको क्रिएट टीम पर क्लिक कर देना। मैं क्रिएट टीम पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए, आप देख सकते हैं ये सब इससे पहले वाले मैच में ये लोग खेला है, ये भी खेला है, ये भी खेला है इससे पहले वाले मैच में। तो आपको जो भी पसंद हो, लेकिन सबसे बढ़िया होगा कि आप चूज़ कीजिए। बहुत अच्छा प्लेयर है ये, विकेट कीपर है। आप एक से दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, विकेट कीपर में चार तक ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक से लेकर चार तक आप विकेट कीपर ले सकते हैं। तो मैं अभी सिर्फ एक ही प्लेयर को ले लिया हूँ। उसके बाद आपको बैट्समैन चूज़ करना है। इस पर आपको बैट्समैन चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बैटमैन चूज़ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे बैटमैन है। उसके बाद यहाँ पे आप बैटमैन तीन से लेके छः तक आप बैटमैन चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका जो भी पसंद हो, आप देख सकते हैं इसका भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। ये भी इसका भी बहुत ज़बरदस्त है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें से आप जो भी चूज़ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। तो मैं इन दोनों को चूज़ कर लेता हूँ। इसका स्कोर भी देख सकते हैं। इसको आप कैसे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके स्कोर बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके पहले वाले लेफ्ट वाला स्कोर देखें। ये बैटमैन भी है, बहुत ज़बरदस्त है। ये बैटमैन भी है, बॉलर भी है। आप इसको चूज़ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। देखिए इस तरह से आप अपना टीम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑलराउंडर चूज़ करना है। यहाँ से आपको ऑलराउंडर चूज़ कर लेना है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप ऑलराउंडर में एक से लेकर चार तक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे इसको ले लेता हूँ। उसके बाद ये भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, ये भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। इसको ले लेता हूँ मैं। उसके बाद इसके देख लेता हूँ परफॉर्मेंस कैसा है। ये भी बहुत बढ़िया है, दो मैचों में बहुत ज़बरदस्त खेला है। तो आपको इसको भी चूज़ कर लेना, अगर आप चाहते हैं तो इसको चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको बॉलर चूज़ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉलर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको बॉलर चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर आप बॉलर में भी तीन से ले कर छः तक ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर तीन से ले कर छः तक आप बॉलर को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अहमद कियानी, ये भी बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। पहले मैच में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लाया है, ये भी ठीक है। इसमें से आप जो भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। पॉइंट अभी ख़त्म हो गया, पॉइंट कम हो गया, तो मैं किसी को हटा देता हूँ। इस तरह से आपको अपना जो भी बॉलर लेना चाहते हैं इस तरह से आप ले सकते हैं। लेने के बाद यहाँ पे आपको पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ करना है। तो यहाँ पे दिख रहा हूँ तो इसका बहुत बढ़िया है परफॉर्मेंस। कैप्टन बहुत ज़बरदस्त लिया है इसको, आप इसको ले सकते हैं। इसको वाइस कैप्टन भी बहुत ज़बरदस्त लिया है, और शायद इसको भी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। इसके भी वाइस कैप्टन में आप ले सकते हैं। इस तरह का आप चूज़ कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। उसके बाद आपको सेव टीम पर क्लिक कर देना है। तो मैं सेव टीम पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा टीम बन गया ही है। आपको इस तरह से टीम बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको माई टीम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको माई टीम पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप अपनी टीम को देख सकते हैं। इस तरह से आपको क्लिक कर देना। उसके बाद टीम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी टीम में से कोई ना खेले
तो आप कैसे बदल सकते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना, देखिए पेंसिल के आइकन, इस पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस तरह से टीम को बदल सकते हैं। मान लीजिए आपका अगर इस ये टीम नहीं खेल रहा थी, इस पर आपको क्लिक करके इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके आप यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ड्रीम इलेवन को डाउनलोड नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा रेफरल कोड दिया और रेफरल कोड से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपने रेफरल कोड यूज़ नहीं किया तो फिर आपको 200 रुपये बोनस नहीं मिलेगा, और आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो फिर आपको 200 रुपये बोनस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी है और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।